इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दिल्ली हाई कोर्ट में आज भी कोविड क्राइसिस मैनेजमेंट पर सुनवाई होगी। कोर्ट ने केंद्र सरकार के अधिकारियों को आज कोर्ट में मौजूद रहने के लिए कहा है। कल हुई सुनवाई में दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि किसी भी कीमत पर दिल्ली को 700 मेट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध करवाओ। हाई कोर्ट ने कहा कि ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर जवाब में ना नहीं सुनना है, केंद्र सरकार फौरन 700 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की व्यवस्था करे। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना से 19,953 मामले सामने आए, वहीं 338 लोगों की मौत हुई। कुल 90,419 एक्टिव मामले अभी बने हुए। उधर दिल्ली के एलजी ने कोरोना के मौजूदा हालात को देखते हुए पुलिस कमिश्नर और डिविजनल कमिश्नर को निर्देश दिया है कि वो रोजाना हालात की समीक्षा करें, हर दिन शाम 7 बजे उन्हें पूरी रिपोर्ट दें। आपको बता दें कि दिल्ली में पिछले 2 दिनों से 18 साल के ऊपर के लोगों का भी वैक्सीनेशन चल रहा है। सरकारी स्कूलों में वैक्सीनेशन सेंटर्स बनवाए गए हैं, लोग कोविन पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन भी करवा रहे हैं। हालांकि स्लॉट्स मिलने में लोगों को थोड़ी दिक्कत जरूर हो रही है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।